हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है इनडाइजेशन के बारे में, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी उनके पेट में दर्द होता है और उबारा भी हो जाता है और उनके दर्द और एसिडिटी और गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है और इस वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आज इनडाइजेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इन लोगों के लिए जिनको हर वक्त गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की बीमारी होती है, क्योंकि वो कुछ भी खा लेते हैं तो इनके पेट में दर्द, एसिडिटी, इनडाइजेशन का मसला रहता है और इनका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब और कमज़ोर होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को कभी इनडाइजेशन का मसला बना रहता है, कभी सुबह व शाम उनके पेट में दर्द होता है और खाने के बाद पेट फूल जाता है और एसिडिटी और गैस और खट्टी डकारें उनको आती रहती हैं और पेट में तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है और पेट फूला फूला उनको महसूस होता है और कभी तो पेट अच्छे से उनका साफ हो जाता है, कभी मोशन हो जाते हैं तो कभी उनको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो जाती है। इस हालत में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक और इसके अलावा बहुत सी मेडिसिंस और टैबलेट देता है, जिससे वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो जाता है, मगर फिर दोबारा जब आप दवाई लेना छोड़ देते हैं तो ये मसला दोबारा से हो जाता है। लेकिन मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से 100% रिज़ल्ट के साथ आपको ये मेडिसिन बताऊंगा इन सब तमाम सिम्टम के लिए। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूं और ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करनी है आपको, और ये तमाम तर जो मसले हैं, एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन, ये आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप को इस मेडिसिन को तकरीबन एक माह तक इस्तेमाल करना है। अगर आपको उससे फ़ायदा हो और आपको अच्छा महसूस हो तो कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करें, तो आपकी तमाम तरह बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कंपाउंड से आपके तमाम तरह मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और खाने के बाद जो पेट फूलता है और पेट में दर्द होता है, ये तमाम मसले इस कंपाउंड से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस कंपाउंड के रिज़ल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये कंपाउंड का इस्तेमाल हर होम्योपैथिक अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और ये कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर एक पर आती है नक्स वोमिका। जैसा कि आप जानते हैं, नक्स वोमिका गैस, इनडाइजेशन और एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है। इसको आप 30 पोटेंसी में लेकर आना है। दूसरी है एसाफोटिडा। ये हिंग से बनी हुई दवा है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव गैस, एसिडिटी और खट्टी डकारों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एसाफोटिडा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है इस कॉम्बिनेशन में। तीसरी आती है रोबेनिया 30। ये खट्टी डकारे, एसिडिटी, गैस के लिए बहुत अच्छी दवा है और पेट के दर्द के लिए भी। इसमें चौथी दवा है कार्बोवेज। अगर गैस ऊपर की जानब चढ़ती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जिसकी वजह से एसिडिटी और खट्टी डकारें आती हैं और हार्ट बर्न भी होता है, तो कार्बोवेज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये कंपाउंड गैस और एसिडिटी के लिए और इनडाइजेशन के लिए और पेट दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपके साथ ये तमाम मसले होते हैं तो इस कम्बिनेशन को इस्तेमाल करें और इस कम्बिनेशन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस कम्बिनेशन को दिन में 3 दफ़े इस्तेमाल करें, दिन में 2 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम, कम से कम 1 माह तक इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर उसके बाद आप 2 महीने और इस्तेमाल करें तो आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें और शेयर कीजिएगा।